वहीं जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर बस्ती जबरन खाली कराने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान समेत 8 लोगों को बरी कर दिया है। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है, या फिर यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ की एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। किस तरह से जनता ने जनादेश दिया था उस पर वो मंथन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से दूसरा भूचाल आ गया है। ये भूचाल आया कहां से, इस बात को आप समझिए। ये भूचाल आया है साथियों एमपीएलएमए कोर्ट से, जो फैसला आया है आजम खान के पक्ष में, वहां से उनको रिहा कर दिया गया है। जिस तरह से झूठे मुकदमों में आजम खान को फंसाया गया, ये जो 80-20 की राजनीति करने की कोशिश की गई देश में और प्रदेश में, सबसे ज्यादा नुकसान अगर मुस्लिमों में से किसी को हुआ तो आजम खान को हुआ। किस तरह से उनकी यूनिवर्सिटीज को बैन करने की कोशिश की गई, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई, एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको रामपुर में सीमित करने की कोशिश में उनको पूरी तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया गया। साथियों, इस प्रयास में किस तरह से उनको ही सिर्फ नहीं, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, सभी को टॉर्चर किया गया और उनकी जो विधायकी जीते थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। साथियों, जो खबर आई है इस खबर को आप पहले सुन लीजिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। वही जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर बस्ती जबरन खाली कराने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान समेत 8 लोगों को बरी कर दिया है। आजम खान पर घर में घुसकर मकान सामान तोड़ने, धमकाने, मारपीट का आरोप था। 2016 का ये मामला है और आजम खान पर 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ। इसको लेकर 13 केस दर्ज हुए, जिसमें से एक केस में ये फैसला आया है, जबकि एक केस में पहले ही आजम को सजा मिल चुकी है। साथियों, ये जो वीडियो है बहुत तेजी से वायरल हो रही, क्योंकि अब फिर से शेर वापस आ रहा है। कहा जाता है कि ऐसे नारे हैं, जो दबाओ दबाए ना दबे, और जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, और अब शेर दहाड़ चुका है। राहत इंदौरी साहब कहते थे कि ये सब किराएदार है, किसी का जाते ही मकान थोड़ी है, और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, ये जनता जनार्दन ने फैसला दिया, उसके बाद किस तरह से चीजें परिवर्तित हो रही है, इस बात को आप समझिए। साथियों, आजम खान के ऊपर क्या मुकदमा चलता है 2019 में, 2019 को याद कर लीजिए। 2019 में जो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है कि जो भंडारी की बस्ती थी वहां पर मकान खाली कराने के लिए, तोड़ने के लिए उन्होंने साजिश रची, षड्यंत्र रचा, उसके खिलाफ मुकदमा FIR दर्ज होती है 2019 में और उनको सजा सुना दी जाती है। उनके बेटे पर क्या आरोप है साथियों, इस बात को आप समझिए। इस आरोप को आप सुनेंगे तो आपके मुंह से हंसी आ जाएगी, आप कहेंगे ऐसा भी होता है, इस तरह का आरोप लगाया गया और उनको सजा भी हो गई। उन आजम खान को, आजम खान की पत्नी को और उनके बेटे को 7-7 साल की सजा मिल गई, लेकिन अब उसमें उनको थोड़ी सी राहत मिल गई है और जो दूसरा केस था उससे उनको एमपीएमएलए कोर्ट से रिहा भी कर दिया गया है। अब आगे की परिस्थितियां क्या बनेंगी, पहले मैंने कहा केस समझ लीजिए, केस क्या था, केस एक षड्यंत्र का था, दूसरा सिर्फ आरोप था षड्यंत्र का, कोई उन्होंने षड्यंत्र किया नहीं था, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के तहत उनको किस तरह से टारगेट किया गया, लोगों को दिखाने के लिए 2019 में कि कैसे हम इन लोगों के खिलाफ हैं, कैसे हम इन लोगों को जब्त करना चाहते हैं, कैसे इन लोगों को जेल में भरना चाहते हैं, ये मैसेज देने के लिए सत्ता के द्वारा इस तरह के कार्य किए गए। आजम खान के जैसे लोगों को टारगेट किया गया अपनी राजनीति को सेकने के लिए। साथियों, केस जो था वो षड्यंत्र का था, दूसरा केस था कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनाया है, आजम खान के बेटे का फेक सर्टिफिकेट बनाया था, उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ गलत थी। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरी, आप अभी अपना आधार कार्ड उठाइए, आप अभी अपनी मार्कशीट उठाइए, देखिए आप अगर 100 लोग उठाएंगे तो 50 से 40 लोगों की आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगी, किसी का नाम मैच नहीं करेगा। तो ये तो बहुत मामूली सी गलती है, ये कोई सोची समझी साजिश नहीं होती है, जिसके तहत उनको 7-7 साल की सजा सुना दी गई, पिता को भी और उनकी माँ को भी और उन्हें भी। आखिर उनका क्या दोष था, वो तो विधायक चुन करके आए थे, उनको सजाएं सुना दी गई, किस तरह से उनको टारगेट करने की कोशिश की गई उनके पुत्र को। साथियों, ये सिलसिला सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं है, ये सिलसिला बहुत दूर तक जाता है अगर आप नजर दौड़ाने की कोशिश करेंगे। चाहे आप उमर खालिद की बात करें, उमर खालिद जैसे युवा जो JNU से पढ़ के निकले, JNU में जाने का लोगों को सपना होता है, और उमर खालिद वहां गए, वहां पर एडमिशन लिया, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, आप जानते हैं, एक अच्छी प्रवृत्ति थी वो इंसान और सारी चीजों को अच्छे से करते हैं, लेकिन सिर्फ उनका गुनाह क्या था कि वो मुसलमान थे, एक समुदाय से आते थे, उस समुदाय को टारगेट करने के लिए, उस समाज में घंटी बजाने के लिए सत्ता के द्वारा उनको जेल में डाल दिया गया, और साथियों 3 साल से अधिक हो गया है
और ये हमारे लोकतंत्र में शर्म की बात है कि उस इंसान को जो इतना शिक्षित जेएनयू से पढ़ा लिखा उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बेल की अर्जी नहीं मिली, उसने अपनी बेल की अर्जी को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे महसूस होने लगा कि अब शायद मुझे इंसाफ नहीं मिलने वाला है। आखिर हम कितना नीचे तक गिरते जाएंगे? क्या एक समुदाय को टारगेट करने के लिए, अपनी 80-20 की राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह का कार्य करेंगे और हमारी जनता खामोश देखती रहेगी? जनता ने एक एग्जांपल तो 2024 के चुनाव में दे दिया है कि सत्ता आप किसी की भी बने लेकिन अब धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होगा। अयोध्या में जो जनादेश दिया गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया वो साफ दर्शाता है। और आप ये भी देखिए जो जनादेश आया है उसके बाद किस तरह से जिनको राजनीतिक तौरों पे गिरफ्तार किया गया था उनको धीरे धीरे छोड़ने का कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि सत्ता भी समझ चुकी है कि अब ये जनता ज्यादा देर खामोश बैठने वाली नहीं है और प्रशासन भी शासन भी अपनी चीजों को धीरे धीरे परिवर्तित कर रहा है। इस बात को आप समझिए साथियों, हम इस तरह खबर पर पूरी अपनी नजर बनाए हुए हैं, गोदी मीडिया में इसको दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि इस खबर की असली सच्चाई आप तक पहुंचाई जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है। ये हमारे दो बोल हैं, इन दो बोल को हमें और आपको पूरे लोगों के पास पहुंचाना है। साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा और आपका परिवार, दो बोल का परिवार 1 मिलियन का होने वाला है, इसमें आप समर्थन कीजिए। मैं आमिर खान आजाद, जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।